पहले वैक्सीन पर भ्रम फैलाएंगे फिर टीका लगवाएंगे। जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। जनवरी में कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर चुके अखिलेश ने यू टर्न लेते हुए वैक्सीनेशन के लिए हामी भरी है, लेकिन वो विरोधियों के निशाने पर है। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव का यू टर्न, अब टीका लगवाने को तैयार हैं एसपी सुप्रीमो। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे ना लगवाने का ऐलान करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर टीका लगवाने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। एक बात उन्होंने और फिर स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका लगवाएंगे। अखिलेश यादव के यू टर्न पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं तो उन पर भ्रम फैलाने के बाद टीका लगवाने के आरोप लगने लगे हैं। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं कि ठीक है, आज उनके पिताजी ने लगा भी लिया है और वो भी तैयार हो गए, उनके पिताजी के कारण लगाए या जिसके कारण लगाए, सवाल ये बात नहीं है। सवाल एक बीमारी के सामने मात्र एक टीका ही है जो हम सबको सुरक्षित रख सकता है। इस बात को इनको समझने में इतना समय लगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या इनके दिमाग में है। राजनीति करने के लिए जब आप जीवित रहेंगे तब तो आप राजनीति करेंगे, तो अभी भी इनका बयान अभी ठीक नहीं है। देश के प्रति इनका सोच बहुत हल्का है, ये अपना व्यक्तिगत सोच करते हैं और अपने व्यक्तिगत पार्टी को बढ़ाने के लिए इनका सोच है, मगर देश के प्रति हमारा सोच होना चाहिए। आपको बता दें कि जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा था जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। दरअसल अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान तब किया है जब समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उनके पिता मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो गुरुग्राम के नामी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाते ही मुलायम की तस्वीर सामने आने के बाद से यूपी की सियासत गरमाने लगी। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर तंज कसना शुरू कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, मुलायम सिंह यादव का टीका लगवाना प्रमाण है कि अखिलेश यादव द्वारा वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई। इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के हमले से अखिलेश यादव ने यू टर्न मारकर वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है, लेकिन उनके पुराने बयान से वैक्सीन को लेकर भ्रम जरूर फैला। लिहाजा जिम्मेदार नेताओं को वैक्सीन की सुरक्षा कवच के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, न कि उसके खिलाफ अफवाह। टीम न्यूज नेशन। अब बात लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाके की, जहां वैक्सीन सेंटर तो बनाए गए लेकिन करीब 20% मुस्लिम ही टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। टीके से क्यों है मुस्लिम समुदाय की दूरी, बता रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल यादव। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन कैंप्स को धार्मिक स्थलों में भी लगाया है। लखनऊ के ईदगाह में और इमामबाड़े में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। सरकार का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएँ। देखिए, तो ईदगाह और इमामबाड़े में वैक्सीन कैंप लगाने का मकसद यही था कि माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि माइनॉरिटीज़ में अभी भी वैक्सीन को लेकर उनके अपने कुछ शंकाएँ हैं और जितनी बड़ी संख्या में बाहर निकलना चाहिए था वो निकल नहीं रहे। तो फिलहाल ईदगाह में ये लाइन लगी हुई है और तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम भाटिया है और मैं को वैक्सीन लगवा चुका हूँ। भाटिया साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं पीछे ऐशबाग कॉलोनी में ही रहता हूँ और मेरा अपना अमीनाद में बिजनेस है और कल मैं माता जी को लगवाने आया था। भाटिया साहब ने आज स्वयं लगाने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? एम ए खान से आप आए हुए, बहुत अच्छी बात है। खान साहब, देखने में ये आ रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, लगाया इसीलिए गया था ये ईदगाह मैदान में या इमामबाड़े में कि अल्पसंख्यक समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने आए, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ संकोच है वैक्सीन को लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ आदमी डरा हुआ था, अब खुल के आ रहा मैदान में। जी जी, अभी कुछ उनके अंदर डर है या डाउट है? नहीं, अब कुछ नहीं है।
जी नहीं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, साबिर साहब है। मैं नादरगंज से आया हूँ और मैं पेंशनधारी हूँ, रिटायर्ड हूँ। अच्छा, अभी भी मोहल्ले में कुछ लोगों के मन में कुछ शंका है? हाँ, कुछ लोगों को है, जो विश्वास अनविश्वासी वो तो पूरे भारत में मिलेगा, हर परिवार में मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं है। इससे लगने से फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। आप जब लगवाने आए थे तो आप लोग, आपको भी कुछ लोगों ने मना किया था कुछ लोगों ने? हाँ, वो कहा कि नहीं, ये नहीं ठीक है, ये ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बातें होती रहती। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम जा रहे हैं लगवाने, और घर में भी कही आए कि तुम भी चल के लगवा लो। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम है अब्दुल रऊफ। अब्दुल साहब, भीड़ कम दिख रही है? नहीं, कम है, नंबर भी आ गया मेरा, जल्दी आ गया नंबर। हाँ चलो, काम असल में लेडीज जेंट्स दोनों साथ में चल रहे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो काम तेज हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, ईदगाह में और इमामबाड़े में वैक्सीन कैंप लगाने का मकसद यही था कि माइनॉरिटीज के लोग जो है जी, जी, वो ज्यादा से ज्यादा निकले। बेशक, बेशक, तो लेकिन देखने में आ रहा है कि माइनॉरिटीज अभी बड़ी संख्या में आ नहीं रहा है। हाँ, ये मानते हैं? अब मैं इसको क्या बताऊँ, मैं देखिए, मैं हूँ, मैं आ गया फट से, जैसे मुझे पता चला ईदगाह में, मैं फौरन आ गया। माइनॉरिटी में अभी कुछ डाउट है वैक्सीन को लेकर? क्या कुछ है, लगता कुछ डाउट होगा तभी तो आदमी नहीं दिख रहा है, उससे ज्यादा तो औरतें लगवाने आ रही। आप भी जब आए थे तो आपको भी लोगों ने मना किया था कुछ? हमने, हम किसी के क्या, हमें जो करना मना किया था कुछ लोगों ने? हमसे किसी ने कुछ नहीं, हमारे बड़के लड़के ने बम्बई से फोन किया, पापा वैक्सीन लगवा लीजिएगा, वहाँ उसने सब फैमिली के लगवा ली सबकी। यहाँ से लगवाने के बाद आप बताएंगे दूसरों को कि कोई दिक्कत नहीं आए, लगवाएं? भाई हम महल्ले में सबको बताएंगे, जैसे लोग कह रहे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, बुखार जाते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अभी थोड़ी सी उनके अंदर हाँ, उससे पहले आप मतलब बातें बना रहे हैं, माइनॉरिटीज के अंदर थोड़ी सी शंका आशा को सुबह है वैक्सीन को लेकर? हाँ है, है 30-35% है, इससे ऊपर ही है, उससे ऊपर ही है। तो देखिए, तमाम जो धर्मगुरु हैं, मौलाना खालिद असीफ फिरंगी महली साहब हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील करी थी कि वैक्सीन लगवाएं, और इसीलिए उनके प्रयासों से ये वैक्सीन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जितनी बड़ी संख्या में उम्मीद करी जा रही थी या प्रशासन की जो उम्मीद थी, प्रशासन की जो कोशिश थी, उतनी बड़ी संख्या में फिलहाल माइनॉरिटीज़ के लोग वैक्सीन लेने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।